नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांगा एसईओ वर्ल्ड पर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मेरा चैनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड है। और अगर आप भी एसईओ सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, जहां पर मैं आपको एसईओ की ट्रेनिंग दूंगा और वो भी फ्री। और जो भी मेरे हिंदुस्तानी भाई और बहन अपना करियर बनाना चाहते हैं एसईओ फील्ड पर, वो आज ही मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्टेप बाय स्टेप एसईओ गाइड है, जो बिगनर लेवल से स्टार्ट होगी और एडवांस लेवल तक जाएगी। और मैं यहाँ पर जो भी आपको टिप्स दूंगा, वो आप अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो सर्च इंजन पर। मेनली यहाँ पर मैं गूगल सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और मैं एचपी सांगा एसईओ कंपनी का ओनर हूँ। और मैं पिछले 5 साल से एसईओ फील्ड में हूँ और मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं सर्च इंजन में, बेसिकली उसका एल्गोरिथम कैसे चेंज हो रहा है। और जो मेरा मेन इनकम सोर्सेस है वो एफिलेट मार्केटिंग है। मैं अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवाता हूँ और वहाँ से इनकम जनरेट करता हूँ। लोकल क्लाइंट भी मैं करता हूँ, बट मैं वही लोकल क्लाइंट लेता हूँ जो मुझे अच्छी अमाउंट पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट मार्केटिंग में जाने से पहले, एसईओ में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर क्या है। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 2017 तक 53% जो इंडिया के लोग हैं वो इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। तो जो आने वाले टाइम में बढ़ रहा है, और 2022 तक ये 80% तक जाएगा। तो आप इमेजिन करो कि हर एक बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो जो अभी है वो 40% जो बिजनेस है वो डिपेंड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग पर, और जो आने वाले कुछ साल में ये 90% तक जाएंगे। और इमेजिन करो कि सारा कुछ ऑनलाइन है, और कितनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और यूएसए और यूके के बाद इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। तो मैं हर एक बंदे को बोलना चाहूँगा, अगर आप भी इंटरेस्ट है इंटरनेट मार्केटिंग में, तो आप इंटरनेट मार्केटिंग में ज़रूर आओ, और काफ़ी आप स्मार्ट अर्निंग कर सकते हैं इंटरनेट मार्केटिंग में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एसईओ बेसिक के बारे में आपको बताऊँगा। एसईओ में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के बारे में जाने से पहले, सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए आप कौन से सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको गूगल सर्च इंजन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल ही है। मोस्ट ऑफ द जो सर्चेज होती हैं दुनिया में वो गूगल सर्च इंजन पर होती हैं। तो ऑन पेज और ऑफ पेज के सबसे पहले आपको सर्च इंजन की नॉलेज होनी चाहिए कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं एसईओ सीरीज में आपको बताऊंगा एसईओ क्या है और सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, उसकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग प्रोसेस क्या है, तो सर्च इंजन के मेजर फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे आपको रैंकिंग देता है। बेसिकली 200 रैंकिंग फैक्टर होते हैं सर्च इंजन के, तो उसी हिसाब से आपको रैंकिंग मिलती है। अगर आप वो 200 रैंकिंग फैक्टर अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते हो तो आपको ईजिली गूगल रैंकिंग देता है। तो देन मैं आपको बताऊँगा ट्रैफिक क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक क्या है, और कहाँ कहाँ से हम ट्रैफिक ले सकते हैं, और एसईओ के कौन कौन से मेथड है। बेसिकली ये तीन मेथड होते हैं, ब्लैक हैट, वाइट हैट और ग्रे हैट। तो मैं आपको यहाँ इस सीरीज में तीनों मेथड बताऊंगा और कैसे कैसे करने हैं, कौन से एसईओ के लिए सबसे बढ़िया मेथड है, और कहाँ कौन से मेथड अप्लाई करके हमको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो सर्च इंजन पेनल्टीज़ क्या हैं, देखो अगर हम गूगल के एल्गोरिथम के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो गूगल हमको पेनल्टीज़ भी डालता है। तो वो कौन कौन सी पेनल्टी है जो हमारी वेबसाइट पर पड़ती है, अगर हम कुछ गूगल गाइडलाइन के हिसाब से गलत कर रहे हैं तो उस जो पेनल्टीज़ है उसको पढ़िए, उसको रिकवर कैसे करना है, मैं ये भी आपको इस सीरीज़ में बताऊंगा। देन उसके बाद आएगा कीवर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, कौन सा हमको कीवर्ड लेना है, और कहाँ पर अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है कौन से कीवर्ड के हिसाब से। और उसके बाद मैं आपको एसईओ टूल बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं टूल यूज़ करता हूँ वो पेड होते हैं, और काफ़ी सारे फ्री टूल भी हैं जो आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो। उसके बाद आएगा ऑन पेज एसईओ और फिर आएगा ऑफ पेज एसईओ। तो फ्रेंड, ऑन पेज और ऑफ पेज में जाने से पहले आपको, फिर बोल रहा हूँ, आपको सर्च इंजन की वर्किंग की एल्गोरिथम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऑन पेज एसईओ,
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ, ऑन पेज जो हमको अपनी वेबसाइट पर नज़र आ रहा है हम उसको ऑन पेज बोलते हैं। इसमें वेबसाइट का कंटेंट भी होता है, इमेजेस भी होती हैं और वीडियो भी होती हैं। जो भी हमको बेसिकली नज़र आ रहा है हम उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। उसके बाद आता है कीवर्ड सर्च, कौन कौन कैसे आपको ट्रिक्स यूज़ करने हैं कीवर्ड सर्च के, कौन सा आपको कीवर्ड लेना है अपनी वेबसाइट पर। जो बिगनर्स होते हैं वो कई बार ऐसा कीवर्ड ले लेते हैं जो बहुत टफ होता है, उसको रैंकिंग कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कीवर्ड यूज करो जो इजिली रैंक हो जाए। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टूल यूज करके आप ऐसा कीवर्ड यूज कर सकते हो जो इजिली रैंक हो सके। उसके बाद आ जाएगा डोमेन की सिलेक्शन करनी है और होस्टिंग की सिलेक्शन करनी है। तो फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूँ, जो होस्टिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी रैंकिंग में। अगर आपकी होस्टिंग दिन में 3 घंटे बंद रहती है तो गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप गुड क्वालिटी होस्टिंग यूज़ करें ताजो वो बंद ना हो और आपकी वेबसाइट लाइव रहे और गूगल इसको ईजिली रैंक करवा सके। देन आएगा थीम, कौन कौन से थीम आपको यूज़ करने हैं। जो थीम होते हैं वो भी रैंकिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं आपको। कुछ थीम ऐसे होते हैं जो गूगल फ्रेंडली नहीं होते, तो गूगल का क्रॉलर आता है वो और उसको थीम को अच्छे से क्रॉल नहीं कर पाता। तो मेक श्योर कि गूगल के हिसाब से ही आप वो थीम यूज़ करें जो गूगल को ईजिली आपको क्रॉल करने में आसानी हो। तो उसके बाद आ जाते हैं प्लगइन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लगइन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको पेड प्लगइन भी यूज़ करने पड़ेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लगइन होते हैं वो फ्री होते हैं वर्डप्रेस में। उसके बाद आता है क्वालिटी कंटेंट। तो फ्रेंड्स आपने भी सुना होगा कंटेंट इज किंग, सो मेक श्योर कि आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट यूज़ करें ताकि गूगल उसको आसानी से रीड करे, जो ग्रामरली अच्छा हो और कॉपी स्क्रिप्ट से पास हो। तो आप कहीं से वेबसाइट को कहीं कंटेंट उठाएं मत और ना ही कॉपी करें, क्योंकि ये गूगल की गाइडलाइन के अगेंस्ट है। तो मेक श्योर कि आप क्वालिटी कंटेंट यूज़ करें। उसके बाद आ जाता है टाइटल और टैग डिस्क्रिप्शन, ये ऑन पेज का एक पार्ट है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको टाइटल सेट करना है, कैसे आपको डिस्क्रिप्शन सेट करनी है। तो उसके बाद आता है वेबसाइट साइलो। साइलो को हम इंटरनल लिंकिंग ही बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइलो होता है। तो कौन कौन सा साइलो अपनी वेबसाइट पर यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑन पेज का। उसके बाद हमको कंटेंट ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे हमको इमेज ऑप्टिमाइज करनी है, कैसे ऑल टैग देना है, अपने वीडियो को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ये सारा मैं आपको ऑन पेज एसईओ में बताऊँगा। तो फ्रेंड ऑन पेज के बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ऑन पेज सही है देन आपका ऑफ पेज वर्क करेगा। अगर आपका ऑन पेज सही नहीं है तो आपका ऑफ पेज आपको रैंकिंग नहीं दिला सकता। तो मेक श्योर कि जो आपका ऑन पेज है वो सही होना चाहिए। तो ऑफ पेज पर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि ऑफ पेज होता क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑफ पेज हमको बेसिकली हम बोलते हैं बैक लिंकिंग को। तो कैसे बैक लिंक करनी है मैं इस मॉड्यूल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप हमको यूज़ करने हैं बैक लिंकिंग के लिए। तो उसके बाद आएगा गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स। तो ये गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स क्या होता है ये आपको बताऊंगा। बेसिकली अगर हमारा कोई वेबसाइट में कोई एरर आ रहा है, तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम गूगल सर्च कंसोल में इसको फिक्स कर सकते हैं और जो हमारी रैंकिंग है वो हम गूगल एनालिटिक्स में चेक कर सकते हैं, ये इसके लिए यूज़ होता है। अगर हमारी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम गूगल से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके लिए गूगल सर्च कंसोल होता है। तो देन उसके बाद आएगा लिंक बिल्डिंग फंडामेंटल, हमको लिंक बिल्डिंग कैसे करनी है ताकि हमको सर्च इंजन पर अच्छी रैंकिंग मिल सके। और आपको देन बताऊंगा कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक क्या होते हैं। बेसिकली दो तरह के बैकलिंक्स होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और कौन आपके वेबसाइट के लिए अच्छी होंगे, तो वो सारा इस मॉड्यूल में आपको कवर करूंगा। देन वेबसाइट फाउंडेशन लिंक्स जो बहुत ज़रूरी हैं आप जब आप वेबसाइट बनाते हो, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वेबसाइट से हमको फ्री लिंक्स मिल सकते हैं और कौन कौन से वो लिंक्स हैं जो हम फाउंडेशन लिंक से दौरान बनाते हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टेप हैं जो हमको नहीं करने। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी जगह से लिंक ले लेते हैं जहां पर आपको पेनल्टीज पड़ने का डर रहता है। तो मेक श्योर कि आप कुछ गलत ना लिंक बिल्डिंग ना करें। अगर आप गलत लिंक बिल्डिंग करते हैं तो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी पड़ जाती है। तो मेक श्योर कि आप ये जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करें और अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएं।
उसके बाद आएगा गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो हम कैसे दूसरी वेबसाइट को अप्रोच करके वहाँ से अपना आर्टिकल डाल के वहाँ से हम अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स ले सकते हैं। तो इसका मैं आपको फॉर्मेट भी दूंगा, कौन सा फॉर्मेट आपको यूज़ करना है और कैसे आपको लिंक लेना है अपनी वेबसाइट के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा डोमेन अथॉरिटी स्टैकिंग। डोमेन अथॉरिटी स्टैकिंग बोलते हैं हम डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, अपनी वेबसाइट की पावर बढ़ाने के लिए। तो इसके भी थोड़े स्टेप होते हैं, अलग अलग वेबसाइट पर हम अपने आर्टिकल्स पाते हैं और वहाँ से आप लिंक बैक लेते हैं, यहाँ जैसे हमारा वेबसाइट की पावर हो वो बूस्ट होती है। तो ये सारा मैं आपको कवर करूँगा ऑफ पेज एसईओ में। तो मेक श्योर कि आप पहले ऑन पेज एसईओ सही करें, देन आपका ऑफ पेज एसईओ काम करेगा। तो फ्रेंड, उसके बाद जो हमारा मेन गोल है इस ट्रेनिंग का हमारा मेन गोल है, हमको एक वेबसाइट बनानी है जो परफेक्टली फिट हो गूगल रेलिवेंसी के हिसाब से। तो उसके बाद हम उस पर लिंक सेंड करेंगे और उसको हाई पोजीशन पर लेकर जाएंगे गूगल और दूसरे सर्च इंजन पर। तो मैं फिर बता दूं, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आप स्टेप बाय स्टेप जो मेरी ट्रेनिंग है वो फॉलो करें और अपने वेबसाइट पर अप्लाई करें तो आपको भी रैंकिंग जरूर मिलेंगी। तो मेक श्योर कि आज आप मेरा आज ही जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।